26 जून सन 2022 को आलमी सतह पर मनशियात और इसके नाजायज कारोबार के खिलाफ दिन मनाया गया। मरकजी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी इस दिन के हवाले से तकारीब मुनक्किद हुई। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में एक पुरविकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें उस स्कूल के तमाम तदरीसी व गैर तदरीसी शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन के अलावा तालिबात की एक अच्छी खासी तदाद शामिल थी। इस तकरीब का आगाज हस्बे दस्तूर तिलावत कलामी पाक से हुआ, जिसके फराइज सीनियर लेक्चरर मंजूर अहमद खान साहब ने अंजाम दिए। इसने इन आयाती करीमा की तिलावत की, जिनमें अल्लाह ताला नशीली चीज़ों से परहेज करने की तलकीन करता है। इसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदारे की एक खूनहार तालिबा सुमाया अय्यूब ने पेश किया। इब्तदाई कलिमात टीचर सज्जाद अहमद डार ने पेश किए। उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया कि इस दिन के मनाने का मकसद यही है कि समाज के हर फर्द पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मंशियात के खात्मे में अपना रोल निभाए। फिर यक के बाद दीगरे इदारे की कई तालिबात ने इस मौजू पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस तकरीब में मोहतरम कबीर गिलानी की क़यादत में सहाफ़ियों की एक टीम भी मौजूद थी। खुद कबीर साहब ने भी मज़कूरा मौजू पर लब कुशाई करते हुए फरमाया कि ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करने से अवाम में मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा होती है। उन्होंने प्रिंसिपल मोहतरम मीर साहब का शुक्रिया अदा किया, जिनकी सरबराही में ऐसी अजीमुल शान तकरीब मुनक्किद हुई। इसके बाद इदारे की एक खूनहार तालिबा सुमैया ने मंशियात की मुखालफत में एक रेप सॉन्ग पेश किया, जहां उन्होंने मंशियात के मुजर असरात की निशानदेही की, वहीं इनकी फन कराना सलायत भी सामने आई, जिन पर इन्हें मेहमान शेख अल्ताफ साहब ने नकदी इनाम से नवाजा। तकरीब की दूसरी निशस्त में इदारे की कई तालिबात ने मज़कूरा मौजू पर मसव्वरी के ज़रिए अपने ख्यालात पहुँचाए। उन्होंने मंशियात मुखालिफ मुहिम अपनी खूबसूरत पेंटिंग के ज़रिए चलाई। उनकी इन फनकाराना सलाहियत को प्रिंसिपल साहब ने काफ़ी सराहा और बेहतरीन पेंटिंग का इंतखाब करने के लिए टीचर सज्जाद अहमद को बहसती जज मुकरर किया गया। इसके बाद तीसरी निशस्त का आगाज़ हुआ, जिसमें इसी मौजू पर क्विज़ प्रोग्राम शामिल था, जिसमें चार ग्रुपों पर मुश्तमिल तालिबात ने हिस्सा लिया। क्विज़ प्रोग्राम की निज़ामत टीचर जावेद अब्दुल्ला खान साहब ने अंजाम दी। सर सैद ग्रुप की तालिबात ने अव्वल पोजीशन हासिल करके हाजरीन की दादो तहसीन हासिल की। आखिरी निशस्त में जहां इदारे के नायब सरबरा मोहतरम मोहम्मद इकबाल शाह साहब ने अपने जरीन ख्यालात का इजहार करते हुए फरमाया कि इस तकरीब का असर देर पा होना चाहिए और हर कोई समाज में इस मुहलिक मर्ज़ को ख़त्म करने में भरपूर तावन दें, ताकि हमारी जवान साल नस्ल, जिनके हाथों में कौम की तकदीर है, जो मुस्तकबिल के पीएम और सीएम हैं, वो ज़ाया नहीं होने चाहिए। इनका तहफ़्फ़ुज़ तभी मुमकिन है जब इस मुहलिक बीमारी का खात्मा हो जाए। वहीं मोहतरम जावेद अब्दुल्ला का तहरीर करदा ड्रामा चैनवन स्कूली तालिबात ने पेश किया। इस ड्रामा के ज़रिए हाजरीन तक ये पैगाम पहुंचा कि मंशियात का इस्तेमाल समाज को किस तरह खोखला करता है। ऐवान सदारत में बैठे असाब ने
इन बच्चों को नकदी इनामात से नवाजा जिन्होंने इस ड्रामा में काम करके अपने फन को पेश किया। प्रोग्राम के आखिर पर अदारे के सरबरा मोहतरम गुलाम हसन मीर साहब ने फरमाया कि इस दिन का मनाना हमसे ये तकाजा करता है कि हमें समाज में बतौर सफ़ीर काम करना, ताकि घर घर ये पैगाम पहुँचे कि हमें मंशियात के खिलाफ ऐसी जंग लड़नी है और मंशियात से पाक माशरा वजूद में लाना है। यही हमारे ताबनाक मुस्तकबिल की जमानत है। साथ ही साथ उन्होंने तमाम शुरका का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस प्रोग्राम में शमूलियत की और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना रोल निभाया। खुसूसन उन्होंने जावेद अहमद खान साहब, तारिक अहमद गनाई साहब और सज्जाद अहमद डार का नाम लिया जिन्होंने तेजी से काम करके इस अजीम शान तकरीर का इनेकाद करने में अहम भूमिका निभाई। इस तकरीर की निजामत टीचर तारिक अहमद गनाई ने की। उन्होंने फसी व बलीग जबान का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोग्राम की दिलचस्पी में इजाफा किया। और शक आप में ये होता हम सब पर ये मुश्तरका जिम्मेदारी आयद होती है कि इस दिन से मनाने का जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए और इसका पूरा होना एक लाजमी अमर है। घर घर व दर दर ये पैगाम पहुँचाना है, मंशियात से दूर रहना है, मंशियात से दूर रहना है। रुख तेज हवाओं का तिंके भी बताते हैं, फर्ज अपना बहर सूरत कुछ वो भी निभाते हैं।